song of the new year's day made brighter by a majestic laptop. PSLV C58. Liptop normal. Bright morning of the new year's day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, देखिए एक्सपोसैट का की लॉन्चिंग यहाँ से की जा चुकी है। अभी चंद सेकंड पहले ये लॉन्चिंग हुई है। अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच करने के लिए एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ब्लैक होल के रहस्य का भी ये पता लगाएगा और इसरो के साइंटिस्ट के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष के कई ऐसे राज खोलेगा, कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी देगा। और ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बना है। नए साल का आज पहला दिन और इसरो ने नई उड़ान भर दी है। बेहद खास तस्वीरें श्रीहरिकोटा से लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्सपोसैट, जिसका पूरा नाम एक्सरे पोलिमेट्री सैटेलाइट है, इस मिशन के जरिए इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर भी स्टडी करने जा रहा है। इसके साथ ही इसरो 10 और पेलोड भी लॉन्च करेगा। तो ये तस्वीरें बेहद खास है, अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच करने के लिए और ब्लैक होल की स्टडी के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट को भेजा गया है। अब से चंद सेकंड पहले ही यहाँ इसकी लॉन्चिंग हुई है और बेहद क्रूशियल ये मोमेंट होता है जब लॉन्चिंग की जाती है। सभी साइंटिस्ट की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये उड़ान की क्या डायरेक्शन क्या है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है, उसकी यहाँ पर स्टडी की जा रही है। और साइंटिस्ट की नजर लगातार स्क्रीन पर बनी हुई है। नए साल का पहला दिन और इसरो के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि। पीएसएलवी C58 से इसकी लॉन्चिंग की गई है। नासा के बाद इस मिशन को लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बना है। 9:10 पर लॉन्चिंग की गई और ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 इंडिया के दर्शक देख रहे हैं। अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच, ब्लैक होल की स्टडी के लिए एक्सपोसैट को भेजा गया है। कई ऐसे राज हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और इसके लिए ये मिशन बेहद खास है। और बड़ी बात यह कि नासा के बाद भारत वो दूसरा देश बना है जिसने इस मिशन की यहाँ पर लॉन्चिंग की है। तो एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया सुबह 9:10 पर, यानी कि अब से ठीक 2 मिनट पहले श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग हुई और लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी खबर के साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष के कई ऐसे राज हैं जो एक्सपोसैट मिशन के जरिए खोल सकते हैं और इसीलिए इस मिशन से भारत की उम्मीदें कहीं ज्यादा है। तो बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब लॉन्चिंग से पहले टीम के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के जो प्रमुख हैं, वो मंदिर में पहुंचे थे, भगवान के आगे मत्था टेका था, आशीर्वाद भी लिया था और इस मिशन की सफलता की कामना की थी। सभी की निगाहें इस वक्त स्क्रीन पर लगी हुई हैं, जिसमें जो ग्राफ है वो नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लॉन्चिंग हुई है आखिर उसकी उड़ान क्या सही दिशा में जा रही है, सही गति है, उसे लेकर साइंटिस्ट की निगाहें इस वक्त वहां लगी स्क्रीन पर जमी हुई है। तो करीब 3 मिनट पहले ये लॉन्चिंग हुई। पीएसएलवी C58 रॉकेट से इसे भेजा गया है। अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच यहाँ की जाएगी, ब्लैक होल को लेकर स्टडी किया जाएगा और भारत ने आज साल 2024 के पहले ही दिन यहाँ देखिए इतिहास रच दिया है। बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए मिशन लॉन्च करने वाले, क्योंकि ये दूसरा देश बना है भारत। और सीधी तस्वीर श्रीहरिकोटा से अब लाइव न्यूज 18 इंडिया के जरिए इस वक्त आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि एक्सपोसैट मिशन के तहत क्या क्या होगा, क्यों ये मिशन खास है। तो अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच की जाएगी, इस मिशन के जरिए स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी भी की जाएगी, उससे जुड़ा डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। सबसे चमकीले जो तारे हैं उनका अध्ययन भी इस मिशन के जरिए हो सकेगा। इसके अलावा नॉन थर्मल सुपरनोवा की भी स्टडी की जाएगी और इसलिए भारत के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। अब से करीब 4 मिनट पहले इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से हुई है और साल के पहले ही दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने यहाँ एक नई उड़ान भरी है और लगातार तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से ये लाइव तस्वीरें हैं। पीएसएलवी C55 रॉकेट से एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही 10 पेलोड भी लॉन्च किए गए हैं और ये बेहद खास मिशन भारत के वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि नासा के बाद ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बना है। और एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च
की गई है और आज पहला ये जो लॉन्चिंग है वो बेहद खास, क्योंकि 2024 का पहला दिन और ऐसे में भारत ने अंतरिक्ष में एक और नई उड़ान, एक और नई इबारत यहाँ लिख दी है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद खास इसलिए भी क्योंकि नासा के बाद ऐसा करने वाला भारत जो है वो दूसरा देश यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जिस तरीके के ग्राफ आप देख रहे हैं, ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की गई है उसकी स्पीड को और उसके डायरेक्शन को दिखाता हुआ, और तमाम साइंटिस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर निगाहें टिकाकर देख रहे हैं कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग देखी गई क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो तस्वीरें बेहद खास, नए साल में इसरो की ये नई उड़ान और अंतरिक्ष में एक और नई इबारत भारत ने लिख दी है। लगातार भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और 2024 के पहले दिन भारत की तरफ से ये लॉन्चिंग न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बेहद खास ये मौका और गर्व करने का विषय है। बड़ी तादाद में लोग भी श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के बाहर मौजूद हैं लॉन्चिंग को देखने के लिए पहुंचे, और अंदर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एस सोमनाथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो टीम में वैज्ञानिक हैं वो भी इसे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ मिनट पहले, करीब 6 मिनट पहले ये लॉन्चिंग हुई है और ऐसे में क्या ये लॉन्चिंग सही डायरेक्शन में जा रही है उसे लेकर अभी भी स्टडी की जा रही है और वहां स्क्रीन पर इसे देखा जा रहा है।